आप लोग बेटा ठीक हो? तो हम लोग करेंगे यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 14 के, ठीक है? तो आप लोग हैं तो क्वेश्चन छोटे छोटे लेकिन काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। ये हमारे पास है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दी है अगर इसका मीन जो है वो 50 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये पी दिया हुआ है हमें, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्लास है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? चलो हम अपना टेबल बनाएंगे यहाँ पे। क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक्स आई और एफ आई एक्स आई क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई, ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी और एक्स आई और एफ आई एक्स आई, एक्स आई और दूसरा आगे आगे एफ आई एक्स आई, क्या आ गया? एफ आई एक्स आई। तो ये हमारे पास है दिया हुआ क्या? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या दिया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो क्लास है हमारे पास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 से 100, ठीक है? ये हमारे पास क्लास दी हुई है। हमने क्या करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 17, पी, उसके बाद पी है, उसके बाद 32 है, उसके बाद 24 है और 19 है, ठीक है? एक्स आई तो आपको पता है ना कैसे निकलता है, 0 plus 20 upon 2, तो 20 upon 2 कितना हो जाएगा? 10। तो एक्स आई कितना आ जाएगा हमारा? 10। इस तरह से हमने एक्स आई निकालना है, समझ आ गई? अब जैसे 20 plus 40 दूसरे में आ जाएगा, 20 plus 40 upon 2 यानी 60 upon 2, तो आ जाएगा हमारे पास 30। क्या आ जाएगा? 30। तीसरे में आ जाओ, 40 plus 60 upon 2 तो आ जाओ 100 upon 2, तो आ जाएगा हमारे पास 50। कितना आ जाएगा बेटा? 50। उसके बाद 60 plus 80 upon 2 तो आ जाओ 140 upon 2 is equal to 70। उसके बाद आ जाओ 80 plus 100 upon 2 180 upon 2 तो आ जाओ आगे 90। कितना आ गया? 90। ऐसे हमने एक्स आई निकालना है, फिर निकालना है एफ आई एक्स आई, समझ आई? 17 into 10 कितना हुआ? 700। कितना हो गया? समझ आई? 70 into 10 सच 170, 17 है ना, 170। पी इंटू 30 पी, ठीक है, 50 into 32। अब 50 को 32 से करेंगे तो आएगा 1600, 1600, 70 into 24 आएगा 1680। अब 90 into 19 करेंगे तो 1710, 1710। तो ये हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया, यहां तक समझ आ गई? इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दी है वो रे अगर इसका मीन 50 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हमने क्या किया, क्लास लिख ली, फ्रीक्वेंसी लिख ली, एक्स आई निकाल लिया, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके हमारे पास पहला आ गया 170, फिर 30 पी, फिर 1600, 1680, 1710, ठीक है, समझ आ गई? यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। फिर सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू
सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई किसके बराबर आया है 92 प्लस पी, इन सबको प्लस करके आएगा 92 प्लस पी, पी तो प्लस नहीं ना हो सकता, और एफ आई एक्स आई को प्लस करके आएगा 5160 प्लस 30 पी, 5160 प्लस 30 पी, ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हमने निकालना है वैल्यू ऑफ पी, पी कैसे निकलेगी, पहले तो देयरफॉर मीन क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 5160 प्लस 30 पी अपॉन नीचे क्या है सिग्मा एफ आई यानी 92 प्लस पी, समझ आ गई आप लोगों को। अब क्या करेंगे बताओ, शाबाश, इट इंप्लाइज अब मीन जो है वो हमें दिया है 50, तो मीन लगाएंगे यहां पे 50 इज इक्वल टू 5160 प्लस 30 पी अपॉन 92 प्लस पी। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इट इंप्लाइज 50 इंटू 92 प्लस पी इज इक्वल टू कितने, किसके बराबर आएगा 5160 प्लस 30 पी, ठीक है, इट इंप्लाइज अब 50 को 92 से जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है, समझ आई क्या किया हमने, 4600 आएगा हमारे पास, 4600 प्लस 50 पी इज इक्वल टू 5160 प्लस 30 पी, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, समझ आ गई। अब क्या करेंगे, 50 पी है ना, इट इंप्लाइज 50 पी है हमारे पास, ये 30 पी यहां ले आएंगे, माइनस 30 पी इज इक्वल टू 5160 माइनस 4600, इट इंप्लाइज 50 में से 30 निकाले 20 पी, 20 पी कितने किसके बराबर आ जाएगा, 20 पी आ जाएगा हमारे पास 560, तो पी क्या आएगा 560 अपॉन 20, ठीक है, इट इंप्लाइज पी इज इक्वल टू 560 अपॉन 20, 00 कटे 2 2 2 2 4 2 8 16, तो पी आ गया हमारे पास 28, कितना आ गया पी की वैल्यू, क्या आ गई पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 28, यही वैल्यू हमने निकालनी थी, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को क्वेश्चन की, अच्छी तरह देख लो फिर नेक्स्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है ना बेटा ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं, और कभी 2 मार्क्स के, कभी 3 मार्क्स के, ठीक है, और 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस पे बड़ा ध्यान देना, ठीक है, जैसे ये वैल्यू वाला क्वेश्चन जो है ना ये बहुत बार एग्जाम में आता है, जैसे पी की वैल्यू निकालो, एफ की वैल्यू निकालो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपने ये वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है, पी की वैल्यू एफ की वैल्यू, तो आप लोगों को ये आना चाहिए निकालना। चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या करना है हमने, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल,
सॉल्विंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। जो नीचे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिया होगा वहां से क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वहां से एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया है टेबल, मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। क्या दिया है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ आ गई। तो मार्क्स दिए हैं हमारे पास जीरो एंड अबव, जीरो एंड अबव, टेन एंड अबव, ट्वेंटी एंड अबव, थर्टी एंड अबव और नेक्स्ट फोर्टी एंड अबव। नहीं, फिफ्टी भी है, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड अबव। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ये हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये है हमारे पास 40 28 40 28 16 10 16, 10, 8 एंड 0। ठीक है, तो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ये जो नीचे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है उससे कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उससे हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। आगे बात समझ में, क्या करना है, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप लोगों ने दूसरी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। यहाँ पे आप हम बनाएंगे टेबल, क्या बनाएंगे, टेबल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मार्क्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, मार्क्स, उसके बाद जैसे जीरो एंड अबव, टेन एंड अबव, ट्वेंटी एंड अबव, थर्टी एंड अबव, फोर्टी एंड अबव, फिर आ गया फिफ्टी एंड अबव। तो ये हमारे पास आ गए मार्क्स, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, क्या आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो आ गए हमारे पास 40 28 16 10 8 और जीरो। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास मार्क्स, फिर आगे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब आ जाओ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल यानी सीआई, और उसके बाद आ जाओ फ्रीक्वेंसी एफ। तो क्लास इंटरवल हमारे बनेंगे जीरो एंड अबव में जीरो टू टेन, दूसरा बनेगा टेन टू ट्वेंटी, फिर तीसरा बनेगा ट्वेंटी टू थर्टी, थर्टी टू फोर्टी, फोर्टी टू फिफ्टी और फिफ्टी टू सिक्सटी। आ गई बात समझ में, तो ये बनेंगे हमारे क्लास।
क्लास इंटरवल। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी, क्या आएगी अब फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 40 में से 28 माइनस करेंगे, 40 माइनस 28 12, 40 माइनस 28 आ गए हमारे पास 12। इसी तरफ हम 28 में से 16 माइनस करेंगे, वो भी आ जाएगा 12, ठीक है। फिर अब हम 16 में से 10 माइनस करेंगे, वो आ जाएगा 6। ये फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूं मैं। फिर 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगी 2, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 8, फिर आएगा 0। तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 40, क्या आएगी 40। तो इस तरह से आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कितना सिंपल सा है ना, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ मेन नहीं पूछा हुआ, यहाँ सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दी हुई होगी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, फिर कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। देख लो आप इसको। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। लिटरेसी रेट क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, ऑफ 35 सिटीज का ये लिटरेसी रेट दे रहा है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो हम लोगों ने मीन लिटरेसी रेट फाइंड करना है। पहले जो हमें दिया है, पहले वो टेबल बनाऊंगी मैं, फिर दूसरा बनाएंगे। क्या है हमारे पास, लिटरेसी रेट इन परसेंट और नंबर ऑफ सिटीज, क्या है लिटरेसी रेट इन परसेंट, परसेंट में कितना है, और नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ सिटीज, क्या आ गया नंबर ऑफ सिटीज। तो लिटरेसी रेट हमें दिया हुआ है 45 to 55 3, उसके बाद 55 to 65 10, उसके बाद आ जाओ 65 to 75 तक आ जाओ 11, उसके बाद 75 to 85,
75 टू 85 आ जाओ, 8। उसके बाद 85 टू 95 3, 85 टू 95 आ जाओ 3। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ये जो टेबल है ये क्या दे रहा है, लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज का, 35 सिटीज का लिटरेसी रेट दे रहा है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, हमने मीन लिटरेसी रेट फाइंड करना है। तो चलो बनाएंगे टेबल हम, ठीक है। तो क्या है यहां पर लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सिटीज क्लास वन एक्स आई, लिटरेसी रेट, उसके बाद नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज, समझ आ रही है, लिटरेसी रेट, उसके बाद नंबर ऑफ सिटीज, फिर क्लास मार्क एक्स आई, क्लास मार्क एक्स आई, उसके बाद एक्स आई माइनस ए, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो आगे जाके आप सीधे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, सीधा भी कर सकते हो तो निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। और उसके बाद एफ आई यू आई, तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो लिटरेसी रेट जो है वो कितना है इन परसेंट, लिटरेसी रेट इन परसेंट, तो लिटरेसी रेट जो है वो हमारे पास है 45 टू 55, 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95, ठीक है। ये है हमारे पास लिटरेसी रेट। नंबर ऑफ सिटीज 3, 10, 11, 3, 10, 11, 8 और 3। अब हमें निकालना है क्लास मार्क, यानी 45 प्लस 55, ठीक है, अपॉन 2, 45 प्लस 55 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये 100 अपॉन 2, तो कैंसिल होके आ जाएगा 50। तो पहले का आ गया क्लास मार्क 50, इसी तरह दूसरे का 60, 70, 80, 90, क्या आएंगे 50 के बाद 60, 70, 80 और 90, ये आगे हमारे पास क्लास मार्क। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है, एज्यूम्ड मीन पहले हम ले लेंगे ना, ये वाला 70 वाला, ये आ गया हमारे पास एज्यूम्ड मीन, क्या आ गया एज्यूम्ड मीन। तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई कितना है हमारे पास, एक्स आई है हमारे पास 50 माइनस ए है 70, तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस 20, माइनस 20, इसी तरह माइनस करना है हमने, ठीक है, माइनस 20, माइनस 10 रहेगा 0, माइनस 20, माइनस 10 0, 10 एंड 20, ठीक है, समझ आ गई। तो यू आई जो है वो किसके बराबर आएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, किसके बराबर आएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब
एक्स आई माइनस ए जो है वो माइनस 20 है, एच कितना है 5 माइनस 20 नहीं 10 है, 45 और 55, एच है 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10, इट इंप्लाइज एच है जो हमारा वो 10 है। तो यू आई जो है वो कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए है माइनस 20 तो अपॉन 10, 10 जीरो जीरो कट गए तो ये आ गया माइनस 2, कितना आ गया माइनस 2। इसी तरह माइनस 10 अपॉन 10 तो आ गया माइनस 1, इसी तरह 0.0 क्या करना, 0 ही आ गया 10, ठीक है 10 अपॉन 10 आ गया 1, फिर 20 अपॉन 10 आ गया 2, तो आ गया माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2। अब एफ आई यू आई निकालना है हमने, एफ आई यू आई क्या होता है, एफ आई कहाँ है हमारा, ये है एफ आई और यू आई वो है, यानी 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 6, 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6, 10 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 10, 11 इंटू 0, 11 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, माइनस 6 माइनस 10, 0, 8, 6 और माइनस 2, एफ आई यू आई आ जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई आएगा माइनस 2, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। और यहां पर जो है एफ आई सिग्मा एफ आई आएगा 35, 35 सिटीज है ना, तो सिग्मा एफ आई आएगा 35। आ गई समय यहां तक टेबल की, अब मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए इंटू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, समझ आ गई। तो चलो निकालते हैं अब इसको, एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, एज्यूम मीन है 70 प्लस एच कितना है, हाइट हमारे पास है 10 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई है हमारे पास माइनस 2 अपॉन सिग्मा एफ आई है हमारे पास 35, 5 2s are 10, 5 7s are 35 इज इक्वल टू 70 माइनस 4 अपॉन 7, ठीक है समझ आ गई, 70 माइनस 4 अपॉन 7 तो 4 अपॉन 7 को करेंगे तो आ जाएगा 0.57, 70 माइनस 0.57 तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69.43, इट इंप्लाइज एक्स बार इज इक्वल टू 69.43, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है समझ आ गई आप लोगों को इस क्वेश्चन की। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इनको अच्छी तरह से कर लेना, नेक्स्ट हम कल करेंगे, थैंक यू।